subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. केसी जी में आप लोग स्वागत है भाई। आज गाड़ी BS6 RJ नंबर और आई है गाड़ी राजस्थान से, मतलब 750 किलोमीटर गाड़ी की जर्निंग करने के बाद भाई लोग यहाँ पहुँचे। जिस हिसाब से देख सकते हैं भाई लोग एकदम बिल्कुल नींद बैठे हुए हैं। और भाई लोग मैं बताऊँ, उनका दैनिक भास्कर है, न्यूज़ से आए हैं बिल्कुल। भाई चला भी रहे गाड़ी, एटलीस्ट मैं देखो भाई को भी देख लो, आप दैनिक भास्कर के अंदर है। और प्लस मेरा खुद मंडे हाफ डे होता है तो मैंने फिर भी इनको सर्विस दी है। मेरा काम ही रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरीके से काम करना, अच्छे से बताना और आप लोग को ध्यान से A to Z बताना, क्यों मैं आप लोग को अच्छी चीज़ दिखाऊंगा तभी आप लोग मेरी दुकान पे आएंगे। क्यों गलत काम दिखाऊंगा तो आप लोग को यार अगला वहाँ से वीडियो बनाता है, वीडियो को पॉपुलरिटी करता है, काम नहीं दिखाता, काम के बारे में नहीं बताता। तो भाई आप लोग मेरी वीडियो बने रहे। और टाइफोर सिलेंडर कमिंग सून, वेट करिए, उसका भी मैं बताऊँगा आपको हर चीज़। थोड़ा जल्दी बोलता हूँ, सॉरी भाई लोग दोबारा सुन लेना, नहीं बोल पाओ तो यू टर्न करना भैया। तो मैं आपको बता दूँ हर एक एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट में काम होता है। हमने लगाई BS6 में RJ नंबर, यू टर्न घुमा रहा यू टर्न और RJ गाड़ी घुमा रहा है, मतलब घुमा रहा गाड़ी। ये RJ नंबर में हमने लगाई किट और RJ नंबर 750 किलोमीटर राजस्थान से आए भाई। तो अब मैं आपको गाड़ी का दिखाता हूँ प्रॉपर्टी से वीडियो। हमने गाड़ी जर्निंग कर ली है प्रॉपर्टी 5 से 7 किलोमीटर में। ट्रायल लेने के बाद ही हम CNG के अंदर चेक किए कैसे क्या है, झटका, नॉकिंग, जॉकिंग सब मैं आपको आपको वीडियो के माध्यम से लैपटॉप के एप्लीकेशन से आपको बताऊंगा। अब चलते हैं गाड़ी की वीडियो में। थैंक यू। कोई दिक्कत कमी बेसी लोग कहते हैं यार, एक छोटी सी बात मैं कहता हूँ, मेरे दिमाग में डाउट है इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। कि आप एक न्यूज़ से हो, मैं नहीं चाहूँगा किसी का भी काम खराब हो, चाहे आप न्यूज़ से होते नहीं होते, फिर भी मैं चाहूँगा मैं अपने कस्टमर को सेटिस्फेक्शन प्रॉपर तरीके से दूँ। तो मेरा कहने मतलब एक मेरे बंदे ने बोला था, क्या कहते हैं यार, आपने सिर्फ अपनी तारीफ बटोरते हो तो आप अपने आप आए हो दुकान पर, फेस किए हो तो आपने क्या। मैंने सुबह भाई को कॉल किया जी कि भाई मेरे को गाड़ी में CNG लगवाना है, तो भाई ने मना कर दिया कि आज तो नहीं, मंगलवार को लगेगा जी। फिर मैंने बोला मैं तो राजस्थान से आया हूँ, आपके भरोसे आया लेफ्ट, लेफ्ट। तो फिर भाई ने बोला कि हाँ मैं लगा दूंगा, आप आ जाओ, मैं आपका काम एक कर दूंगा। और मेरे होते हुए भी भाई के दुकान पे बहुत कस्टमर आए, लेकिन उनको उन्होंने मना कर दिया कि भाई मैं आज ये राजस्थान से गाड़ी आई थी इसलिए मैं दुकान पे आया हूँ, वरना मैं 2 घंटे ही सोमवार को दुकान खोलता हूँ, वरना मैं काम नहीं करता हूँ सोमवार को। कितने कस्टमर आए होंगे सर? कम से कम 40 कस्टमर आए होंगे। सबको मैंने क्या कल का डेट रखो, वैसे 10 में कस्टमर को तो नए सेट ही डलवाने होंगे। थैंक यू सर। जैसे आपने गाड़ी अभी चलाई, गाड़ी चलाने में आपको पिकअप में कोई कमी नहीं? कोई कमी नहीं, पेट्रोल जैसे के जैसे पिकअप मिल रहा है। हाँ, अभी मैंने एडवांसर टच नहीं किया आपको? हाँ, एडवांसर अभी टच नहीं है, एडवांसर खुला हुआ है। जरूरत पड़ेगी तो मैंने कहा एडवांसर लगा दो, यदि जरूरत पड़ी तो मैं 750 किलोमीटर वापस कैसे आऊँगा जी जी, इसलिए एडवांसर। ये तो नहीं आपको एडवांसर के चार्ज लिया? मुझे नहीं लग रहा है कि एडवांसर की जरूरत रहेगी, और भाई ने उसका चार्ज भी मुझसे नहीं लिया है जी। ये तो नहीं, कोई लोग कहते हैं 2500-3000 पर चार्ज लेना पड़ता है एडवांसर के, चार्ज नहीं लिया है मुझसे। ये तो नहीं कहा मैं आपको भाई से, इसमें सिलेंडर लगा कितना है बताइए आप खुद अपने मुँह जाने। 17 लीटर का 70 लीटर का सिलेंडर है जी। गैस कितनी आई है उसके अंदर? उसके अंदर गैस आई है 10.5 किलो भी, 10.5 किलो गैस एक मायने होती है अपने आप को सिलेंडर के लिए। मतलब अभी जो टाइप 4 सिलेंडर को फॉलोअप करने वाली बात है कि नहीं है? जो टाइप 4 सिलेंडर जो कह रहे थे 14 किलो गैस आएगी, तो उसमें फॉलोअप करने वाली बात है कि नहीं है? एकदम है। हमारे यूट्यूबर भाई लोग क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई भी काम हो तो भाई के पास से करवाए, और नहीं हो तो सलाह जरूर ले जी। एक सलाह के आधार पर आप काम करवा सकते हो, मतलब बिना किसी जान पहचान के left, भी left, left, left. आ रहे हो तो भी कोई टेंशन नहीं है, भाई के यहाँ आने पर आपको सब सुविधा मिल जाएगी जी। और सबसे अच्छी बात इनकी ये है कि ये सबको रिप्लाई करते हैं जी, इनको टाइम तो कम मिलता है जी, लेकिन ये रिप्लाई जरूर देते हैं जी जी, लेफ्ट। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि भाई को कॉल कर दे फिर जी, आए जी, और सब मेरे जैसे सोमवार को तो बिल्कुल ना आए। जैसे आप मेरे को सुबह 7:30-8 बजे फोन किए थे, मैंने आपको फोन उठाया नहीं? उठाया। मैंने आपको क्या कहा था? आज 11 बजे आ जाऊंगा आपके लिए, और मैं गाड़ी आपको करके आज फ्री कर दूंगा जी जी। और मुझे सबसे अच्छा लगा कि इतने फोन आने के बाद, इतने कस्टमर आने के बाद, सब कस्टमर से ये डील करते हैं जी, और सबके फोन अटेंड करते हैं, ये सबसे बात अच्छी है इनकी जी जी। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर, अभी आप चलते हैं। अब हमने गाड़ी को पूरी टेस्ट ड्राइव ले ली है, कस्टमर फीडबैक भी ले लिया है, और आपको मैं गाड़ी के अंदर बताऊं कौन कौन से सामान किधर किधर इंस्टॉल किए हमने, कौन कौन से पार्ट्स कैसे कैसे लगाए, क्यों आप लोग को मुझे बताना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्यों आप लोग को पता चलेगा कि यार कौन आदमी क्या काम कर रहा है। तो भाई मैं शुरू करता हूँ पहले फीलिंग बाल से। ये फीलिंग बाल
सीलिंग वाल्व का बेसिकली काम होता है गैस भरने का, यहाँ से आप गोली निकाल के गैस भर सकते हैं। क्यों यहाँ पे सेफ्टी नोज नहीं लगा, क्यों अथॉरिटी में वहाँ पे गाड़ी पास होने के लिए इसकी जरूरत नहीं पड़ती, क्यों मैं बताना बहुत जरूरी था। ये है नीचे रेड्यूसर लगा हुआ है, हाई प्रेशर रेड्यूसर, डबल स्टेक रेड्यूसर है, कोई इशू वाली बात नहीं। इसके अंदर हाई प्रेशर पाइप निकलेगा, ये लो प्रेशर के होते हुए मैप के क्लियरिंग होते हुए पहुँचेगा। और मैंने देखो ये एडवांसर की डब्बी लगाई है, और ये डब्बी का हमने कपड़ा लगा कर डायरेक्ट, क्यों भाई भाई को दिक्कत ना हो, ये चीज़ में इसलिए एडवांस लगाने दिमाग का डाउट है तो क्लियर करने के लिए। और यह एसी बॉक्स, एसी बॉक्स का काम क्या होता है, जितने भी गाड़ी के कनेक्टर है उस कनेक्टर तक आपको गैस का पूरा करंट पहुँचे प्रॉपर हिसाब से सेटिस्फेक्शन रहे, तो करंट के अंदर कोई कमी नहीं रहे। ये है आपकी सीएनजी का एसीएम, ये है गाड़ी का एसीएम। ये एसीएम की जो अपना लगा रखे हमने इसके अंदर टू सीकेपी की वायर लगा रखी है, और जो डाटा है ये हमने डाटा लगा रखा है जो हमने अपने लैपटॉप इंस्टॉल किए हैं हर एक चीज़ में। और इसके अंदर इंस्टॉल करने के बाद इसके अंदर सॉफ्टवेयर कौन कौन सा कैसे कैसे इंस्टॉल करते हो हम बताते हैं। हर एक एक वायरिंग को आप कवर्ड में देख रहे हो, नॉन कवर्ड में कोई काम नहीं रुका है, कोई जल्दी वाली वाला काम नहीं, कोई भाई धक्का पेली वाले काम कर दो जी, लेके जाओ फटाफट निकालो। आज मंडे हाफ डे है फिर भी मैं इनको टाइम दे के काम कर रहा हूँ। और अंदर है रेल इंजेक्टर, राइट कलर का रेल इंजेक्टर है। रेल इंजेक्टर का काम क्या होता है, हाई प्रेशर गैस को लो प्रेशर में कन्वर्ट करती है प्रॉपर हिसाब से सेटिस्फेक्शन के साथ, ओके रिपोर्ट के साथ काम होता है, कोई इशू नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। और मैं आपको ये बता दूं कि गाड़ी 19,000 चल चुकी है सर, इसका प्लग चेंज करा लेना, चारों प्लग होते ना अंदर के वो चेंज करा लेना। और ये प्रॉपर से काम हो चुका है। अब मैं आपको चल रहा हूँ डिग्गी स्पेस, डिग्गी खोलना भैया, ये है डिग्गी हमने खोला है। इसके अंदर आप मान सकते हो इसके अंदर हमने लगाया 70 लीटर का सिलेंडर, 70 लीटर का सिलेंडर, एक अपने हिसाब से 70 लीटर सिलेंडर। इस गाड़ी में जगह नहीं है, मगर पुरानी शिफ्ट होती 70 का, मैं कहता हूँ 12 किलो का लगाना मेरे लिए भारी पड़ जाता, और गाड़ी से अपनी स्टेपनी टाइट होती है, जो 70 लीटर का सिलेंडर इसलिए लगा है। हर चीज़ के साथ में काम हो चुका है, प्रॉपर हिसाब से काम हो चुका है, कोई जल्दबाजी वाला काम नहीं, कोई धक्का बिल वाला काम नहीं। एक कवर मेरा खुद का मैन्युफैक्चर है, तो ये नहीं दूसरे कवर के साथ में काम होता है, हर एक एक टू पॉइंट में काम होता है, कोई जल्दबाजी नहीं। अब मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ स्विच का, ये स्विच का, और आप देख सकते हो ये स्विच गाड़ी गैस पे है, गाड़ी में कोई नॉकिंग, कोई चेक इंजन लाइट नहीं। अब हम एसी ऑन करते हैं गाड़ी का, आर पी एम एसी पे भी बिल्कुल वहीं पे, नॉन एसी भी वहीं पे, कोई जॉकिंग नहीं, कोई नॉकिंग नहीं। आपको ये लगे भाई गाड़ी में दिखाने के लिए पॉपुलरिटी बढ़ता, भाई मैं कहता हूँ आप मेरे पास आइए, लगवाइए नहीं लगवाइए मगर मेरे पास आइए, मिल के जाइए, दिखाइए कैसे कैसे काम क्या क्या हो रहा है, हर चीज़ आपको बताऊँगा, तरीके से समझाऊँगा, तरीके समझा के आपको काम कराऊँगा। ये है सीएनजी पे गाड़ी, आपको पता चलना इसको टच कर दो पेट्रोल पर चल जाएगी गाड़ी, और इसको गैस पर करो, जब तक बिलिंग करी तो आपकी गाड़ी गैस पर चल रही है, पेट्रोल पर चल रही है, अब बिलिंग बंद होना जाती है तो आपकी गाड़ी गैस पर, कोई दिक्कत नहीं। लैपटॉप में हटा रहे हैं, अब हम करते हैं वीडियो ख़त्म। हमारे इंस्टाग्राम हैंडल है KCNG28, फेसबुक पेज है KCNG के नाम से, ये दुकान मेरी ऊपर है सरोजी नगर रिंग रोड मार्केट, और ये है खोखा, खोखे के सामने आप आके हमें जरूर मिले और हमें कॉल करें। मंडे को 11 से 3 है, बाकी दिन 11 से 8 है। अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, थैंक यू। कुछ गाड़ियों के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करती है, कुछ गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम करती है क्रिएट, तो यहाँ पे झटके का ऑप्शन दिखा रखा है, ये झटके का ऑप्शन को आप बंद कर सकते हैं। ये बंद करने के बाद आपकी गाड़ी के अंदर झटका, कुछ भी प्रॉब्लम होती है झटके की, जो जर्निंग एक्सलेटर होल्डर पे करते हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो आपको उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट हो जाता है, कोई इसमें कोई इशू वाली बात नहीं। उसका क्या मकसद है, इसका क्या मायने है, वो भी आप मुझसे फ़ोन पे कॉन्टेक्ट करके पता कर सकते हैं। दूसरी बात बताऊँ, गाड़ी की मैपिंग कितनी सेटिंग होनी चाहिए, 172 रीडिंग कितनी, 195 रीडिंग, माइनस डिग्री 1.6 का नोजल लगा 1.8, प्रॉपर तरीके से गाड़ी सेट है, गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी की स्पीड भी अच्छी खासी चल रही है। और मैं आपको बताऊँ एसी वर्किंग है, 4 सवारी बैठी हुई है गाड़ी के अंदर, एडवांसर भी इसके अंदर लगा है, कि भाई ने कहा यार एडवांस लगा दो, मैं दूर से नहीं आ सकता, मैंने कहा ठीक है भाई आप एडवांस लगाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे इसके पैसे फ्री में लगा कर देता हूँ। प्लस हमने उसकी वायरिंग अटैच नहीं करी, क्योंकि भाई को मैंने बिना एडवांसर की गाड़ी चला के गाड़ी ओके करके दी है। आप आरपीएम देख रहे, पूरी आरपीएम चल रही है गाड़ी की, कितना प्रेशर है, मैप की वॉल्यूशन क्या है, होल्ड पे वॉल्यूशन कितनी होनी चाहिए। तो गाड़ी का अब दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ, इसका चेंज ओवर क्या होता है, हमने कौन कौन से रेगुलेशन भरे हैं इसके अंदर, एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट बताएं, तो हर चीज़ आप लोग को दिखाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। सीधा चलते रहना भैया, और मैं आपको डायग्नोस के बारे में बताऊं, तो डायग्नोस है इसमें फॉल्ट आता है, मैं आपको बताऊं, जब हम उसको एक्स्ट्रा इंजेक्टर को क्लोज कर देते हैं तो आपका ये यहाँ से हट जाता है, दूसरा गियर लगाओ। और हर चीज़ मैं आपको बताऊँ कि भाई की गाड़ी चलाने का तरीका पेट्रोल जैसा है, तो मैं इनको सीएनजी की जैसी गाड़ी चलती कैसे उसके बारे में बताऊँ, ये चीज़ आएगा। दूसरी प्रॉब्लम
यहाँ पे आती, और आपका कोई फॉल्ट है, आपको कोई मैकेनिक बोलता है इसके अंदर ये ख़राब होगा, तो भाई इसके अंदर फॉल्ट वगैरह लिखा हुआ था इसका, ये सिस्टम बता दिए, नॉन सिस्टम के साथ में आप तुक्का लगा किसी से काम ना कराए, हर चीज़ का आपको ध्यान रखिए, आपको डायग्नोस में क्या चीज़ है, कैसे है, कैसे इसकी पॉपुलरिटी है, कैसा काम किया है नहीं किया है, तो हर चीज़ मैं आपको बताऊँ। इंजेक्टर का फॉल्ट आता है तो कोई मैकेनिक होता तुक्के में लगा के अपना काम कर दिए, ये सब मेरे को वीडियो बनाने का एक मकसद था, तो मैं आप लोगों को बताया टेम्परेचर की वेरिएशन कितनी देनी चाहिए, इतनी वेरिएशन देनी चाहिए हर चीज़। अब मैं चलता हूँ दुकान पहुँच के, फिर आपको गाड़ी की वीडियो बता दूँ।